स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर फैक्ट्स RBL में। UPSI की आप लोग तैयारी कर रहे हैं और सभी लोगों की जो है टाइपिंग लगभग लगभग कंप्लीट हो रही है, लेकिन जिन भी बच्चों की अभी टाइपिंग कंप्लीट नहीं है तो वो जो है लेसन वाइज यहाँ पे सीख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि आज हमारा चैप्टर कौन सा रहेगा। तो हमारा 5 चैप्टर जो है कम्प्लीट हो चुका था। ये जो हमारा 5 चैप्टर था इसमें जो है होम रो और आपकी अपर रो की जो प्रैक्टिस थी वो हमने करवा दिया था। अब आपको हम प्रैक्टिस क्या करेंगे, लोअर जो है रो की कराएंगे। किसकी? लोअर रो को या फिर डाउन रो की हम बोलते हैं। तो जो आपकी डाउन रो होगी उसमें हमको कैसे टाइप करना है, तो देखिए हमको टाइप करना है इस जो है फिंगर से, ये चारों फिंगर से हमको क्या, इन तीनों फिंगर से हम बात करें। तो पहले हम आपको पढ़ के बता देते हैं क्या क्या करना है, तभी आपको बातें समझ में आएगी। सबसे नीचे वाली पंक्ति का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले होम रो पर सभी अंगुलियां रखेंगे। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि आपको कुछ भी टाइप करना है तो आपके जो फिंगर होंगी वो हमेशा होम रो पर ही सेट रहेंगी। रिंग फिंगर से जेड करना। रिंग फिंगर कौन सी होती है, तो ये वाली हमारी रिंग फिंगर होती है। और उसके बाद रिंग फिंगर से जेड, मिडिल फिंगर से एक्स, तो मिडिल फिंगर आप समझ रहे हैं कि ये आपकी मिडिल फिंगर होती है। और फोर्थ फिंगर जिसको हम इंडेक्स फिंगर बोलते हैं, ये हमारी इंडेक्स फिंगर है, फोर्थ फिंगर है। इससे हमको सी तथा वी छापेंगे। और इसी प्रकार दहिने से लिटिल फिंगर से हमको फुल स्टॉप अपना है तथा अन्य उंगलियां क्रमशः, तो क्रमशः हम आप यहां पे बता देते हैं। तो देखिएगा यहां से हम क्या करते हैं, फुल स्टॉप करते हैं। अब आपको कीबोर्ड दिखाने की आवश्यकता हो गई है ना, यहां से हम फुल स्टॉप टाइप करते हैं और यहां से कॉमा करते हैं इस वाली से रिंग फिंगर से, और हम रिंग फिंगर के बाद मिडिल फिंगर से क्या करते हैं, एम को और एन को और बी को हम इंडेक्स फिंगर से टाइप करते हैं। देखिएगा एक बार इस तरीके से हम रख के दिखा देते हैं, ये हमारी इस तरीके से रहेंगी यहां नीचे, लेकिन रखेंगे यहां पर, लेकिन यहां पर जब नीचे आएंगे तो ये हमारी ये जो लिटिल फिंगर है इसका नीचे यूज नहीं करते हैं। कुछ लोग जेड का यूज करते हैं लेकिन इसका हम यूज नहीं करते हैं। अगर आप पहले से ऑलरेडी कर रहे हैं तो उसमें कोई समस्या नहीं, आप टाइपिंग को चेंज ना करिए, आप टाइपिंग करते रहिए। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो आपको जेड से, इसका मतलब है कि जेड किससे प्रेस करना है, लिटिल फिंगर से बिल्कुल नहीं करना है। आपको किससे करना है, तो आपको रिंग फिंगर से करना है। तो देखिए यहां पर रिंग फिंगर हो गई ये, और हमेशा इंडेक्स फिंगर कहीं भी रहेगी वो हमेशा दो जो है की को लेता है। यहां पे आएंगे तो यहां भी दो की को लेता है और ऊपर भी दो की को लेता है, तो नीचे भी संभावना इसकी रहेगी कि दो की को ये प्रेस करेगा, सी और वी यहां पे इंडेक्स फिंगर से, और आपकी मिडिल फिंगर से एक्स हो जाएगा और आपका जो जेड है वो हो जाएगा आपका रिंग फिंगर से। आगे बढ़ते हैं, तो देखिए आगे हमारा जो होगा, यहाँ से हम क्वेश्चन मार्क को छोड़ देते हैं, क्वेश्चन मार्क को हम नहीं टाइप करते हैं, और ये यहाँ से हमारी फिंगर ऐसे सेट हो जाएंगे, ये हमारा ऐसे हो जाएगा और ये हम देखेंगे तो इस तरीके से हमारा ये कवर हो जाएगा, ये कवर हो जाएगा ना। अब चलिए हम देखते हैं स्क्रीन की ओर कैसे हम टाइप कर देंगे इसको। हाँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे यहाँ से जेड प्रेस करेंगे, फिर हमारी फिंगर ऊपर रहेंगी और फिर धीरे से ये वाली फिंगर आएगी और इससे एक्स प्रेस हो जाएगा, फिर धीरे से हमारी ये फिंगर आएगी, ये वाली फिंगर, ठीक, ये एक मिनट। हाँ तो फिर से स्टार्ट करते हैं, बता देते हैं फिर से, ये वाली फिंगर धीरे से हमारी आएगी जेड पे और फिर मिडिल वाली हमारी आएगी धीरे से एक्स पे आ जाएगी, और फिर उसके बाद देखिए इस तरीके सेट है और फिर ये हमारी इस पे आएगी, देखिए ये हमारी जो इंडेक्स फिंगर है ये आपकी सी पे आ जाएगी और फिर से वापस जाने के बाद फिर से ऐसे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा बी, ठीक। उसके बाद यहाँ से कॉमा हो जाएगा है ना, यहाँ से हाँ ये कॉमा वाला हो जाएगा, ये फुल स्टॉप जिसको बोलते हैं, ठीक है, फुल स्टॉप हो जाएगा, फिर इससे हमारा कॉमा हो जाएगा है ना, ग्रेटर देन लेस देन जिसको बोलते हैं, यहाँ पे कैप्स, यहाँ पे शिफ्ट प्रेस है इसलिए यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है ना, यहाँ पे शिफ्ट प्रेस है, ये इसके ऊपर हम रखे हुए हैं इसलिए यहाँ पे ये है ना, नहीं आप देख सकते हैं, ये देखिए है ना, यहाँ पे जब हम इसको रखे हुए थे तो हमारा शिफ्ट जो है प्रेस था है ना, क्योंकि यहाँ पे इसके कीबोर्ड के ऊपर हम रखे हुए हैं तो इसलिए हमारे पास ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई। तो आप देख सकते हैं कि हम फिंगर यहीं सेट करेंगे और फिर हमारा इस तरीके से, ये देखिए अब शिफ्ट नहीं प्रेस है और इसको हम इस तरीके से प्रेस कर लेंगे, ठीक। धीरे धीरे हम इसकी प्रैक्टिस जो है कंटिन्यू करते रहेंगे, अब देखेंगे कि इसकी हम धीरे धीरे प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक। इस चैप्टर को
है ना, इस चैप्टर को आपको कितनी बार टाइप करना है, तो इस चैप्टर को आपको कितनी बार टाइप करना है, तो इसको आपको दो पेज कंटिन्यू इसको टाइप करना है। कितने पेज टाइप करना है, दो पेज इसको टाइप करना है, और दो पेज टाइप करने के बाद आपको नेक्स्ट चैप्टर के बारे में हम बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर, मतलब जो है अब इस वीडियो को हम क्लोज करते हैं, इसके बाद हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 7 लेसन्स में क्या क्या आपको टाइप करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।